हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देसी टेस्ट। आज मैं बना रही हूँ पालक के नमक पारे, जिसको आप पालक की चाट या करेला चाट भी बोल सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, नॉर्थ इंडिया की जो चाट हैं वो बहुत फेमस होती हैं, और उसी में से एक ये चाट है करेला चाट। इसको रामकली चाट भी कहा जाता है, और इसको दही और इमली की चटनी के साथ खाया जाता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। 2 कप मैंने मैदा लिया है, साथ ही 1 गड्ढी से थोड़ी कम पालक लिया है, नमक, चाट मसाला, ऑयल और अजवाइन। तो इसके लिए हम आटा गूंद लेंगे। उसके लिए हम पालक को धो करके हमने काट रखा है, और हम इसको बारीक एकदम पीस लेंगे। पीसते टाइम ध्यान रखिए, इसमें हमें पानी नहीं मिलाना है। अगर मिलाएं तो 1 से 2 चम्मच से ज़्यादा पानी का यूज़ ना करें। तो चलिए इसमें हम नमक मिला देते हैं आटे में। बड़ा 1 स्पून मैंने नमक का लिया है, साथ ही 1 बड़ा स्पून मैंने चाट मसाला डाला है, और उसके साथ 1 बड़ा स्पून अजवाइन का डाला है। अब मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ पालक, जो हमने पीस के तैयार किया है, और इसके साथ ही मैं डालूँगी 2 चम्मच इसमें ऑयल, ताकि हमारा जो नमक पारे, जो हमारा करेला बने चाट, क्रिस्पी हो सके। इसी से हमें आटा गूंदना है। ध्यान रखिए, पानी का हो सके तो यूज़ मत करिए। कोशिश करिए जो हमने ये पालक तैयार किया है आप इसी से आटा गूंदिए। कुछ लोग जो है बीट रूट डालकर भी आप इसी तरह से सेम बना सकते हैं, और मैंने आज पालक डाल के बना के आपको दिखाया है। ये तो इस तरह से आटा हमारा बहुत ज़्यादा सख्त और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, और इसको 15 से 20 मिनट ढक के रख देंगे हम। अब 20 मिनट के बाद मैं चेक कर लेती हूँ, देखिए, क्योंकि ढक के रखने से आटा फूल जाता है, थोड़ा जो है सेट हो जाता है आटा। तो हमने ढक के रख दिया था। अब इसको स्लैब पर डालकर भी थोड़ा सा हम मत लेते हैं आटे को, कि और चिकना बना देते हैं, इसको सॉफ्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से इसको हमने सॉफ्ट कर लिया है। अब मैं थोड़ा तेल का हाथ लगा रही हूँ इसके ऊपर, और इस तरह से हम तेल का हाथ लगा के थोड़ा सा मतेंगे, फिर उसके हम 2 हिस्सों में इसको बांटेंगे। नॉर्थ इंडिया की ये फेमस चाट है, तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही क्रिस्पी और यम्मी बन करके तैयार होती है। तो इस तरह से मैंने 2 पार्ट्स में इसको ऐसे लंबा करके बांट दिया था, और अब 1 पार्ट के मैं पीसीस काट रही हूँ। तो आप पीसीस जो, यानी कि जो लोई है उसका साइज़ छोटा बड़ा, यानी कि करेले जो आप ये बनाएंगे, आप बड़े करेले भी बना सकते हैं, छोटे छोटे करेले भी बना करके तैयार कर सकते हैं। जैसा आपको ठीक लगे आप उस तरह से बना सकते हैं, और इसको आप 1 से 2 महीने के लिए आप इसको सेव कर भी रख सकते हैं। और जब आपका चाट खाने का मन हो, इसके ऊपर दही और इमली की चटनी डालकर, चाट मसाला डालकर चाट बनाकर भी खा सकते हैं। तो मैं थोड़ा सूखा आटा लगा रही हूँ, आप चाहें तो बिना सूखा आटा लगाए भी इजीली बेल सकते हैं। तो हमें इसको जो बेलना है लोई को, थोड़ा पतला बेलना है, जैसे कि नमक पारे का हम लोई को बेलते हैं, उसी तरह से इसे हमें बेलना है। ये देखिए, और मैं थोड़े बड़ा साइज़ के बना के दिखा रही हूँ करेले आपको। करेले मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसका जो आकार है करेलो जैसा, शेप देखने में भी, ये देखिए मैंने आपको बेल के दिखा दिया है कितनी मोटी हमारी जो है, हमने जो लोई है बेली है। अब इस तरह से लंबाई में हम इसके काट देंगे, इसको लंबी लंबी स्ट्रिप्स की तरह, और बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं काटेंगे, क्योंकि जो बारीक होती है वो एकदम से जल जाती हैं, और ऑयल हमने गर्म होने ऑलरेडी रख दिया है। तो ये देखिए, इस तरह से इसको गोल गोल फोल्ड करना है। बहुत ही इजी है बनाने में, जैसे जैसे मैं बना रही हूँ आप इजीली देखकर बना सकते हैं, और बच्चों को बहुत पसंद आती है। और इस तरह से गोल घुमाया है हमने इसको, और जो इसका जो लास्ट का जो हिस्सा है उसको, और जो इसका फर्स्ट हिस्सा है, या कोई भी बीच के मिडल हिस्से के साथ इसको आप चिपका दीजिए इस तरह से, ये देखिए, ताकि ये जब हम इसको फ्राई करें तो ये खुले नहीं। तो इस तरह से मैंने 1 बनाई है, और मैं आपको 1 और बना करके दिखा देती हूँ। ऑयल हमने हाई फ्लेम पे अभी रख दिया है, बट अभी उसको मैं लो से मीडियम पे कर ही हमें इसको पकाना है। 1 बार ऑयल गर्म होने के बाद ऑयल को लो पे कर दीजिए, ठीक है, उसके बाद ही आप इसको बनाइए, वरना ये एकदम से काले हो जाएंगे और जल जाएंगे। तो ये मैं 1 और आपको काट करके दिखा रही हूँ। देखिए, साइडों से नहीं काटना है बिल्कुल कॉर्नर तक, इस बात का ध्यान रखिए। और अगर आपका, एक बात का खास ध्यान रखिएगा कि आप जैसे ये निकाल रहे हैं, 4-4, 5-5 निकालते जाइए और उनको तलते जाइए, क्योंकि ये जब आप रखे रखेंगे, सोचेंगे कि बहुत सारे आप इकट्ठे कर आप इनको फ्राई कर लें, तो वो उस ऐसा करते टाइम जो ये आपने स्ट्रिप्स काटी हैं, ये आपस में चिपक जाएंगे, तो वो ख़राब हो जाएंगे जो आपने करेले बनाए हैं। तो आप 4-4, 5-5 निकालते जाइए, बनाते जाइए, और साथ साथ उनको फ्राई कीजिए। तो ये मैंने 6 जो है करेले बना लिए हैं, 6 से 7,
और इनको मैं फ्राई करने के लिए रख देती हूँ। मैंने लो पे कर रखा है, लो टू मीडियम पर, और उसमें मैंने करेले ये डाल दिए हैं। तो इनको लो फ्लेम पर ही पकाना है, तेज आंच नहीं करनी है, वरना एकदम से क्रिस्पी हो जाएंगे, क्रिस्पी के साथ काला रंग आ जाएगा और जल जाएंगे। इस तरह से हल्का हल्का हिलाते हुए आप अपने करेले को तैयार कर सकते हैं। बहुत ही बच्चों को अच्छे लगते हैं, और अगर आप चाट खाने का मन है तो दही के साथ और इमली की चटनी के साथ इसको खा सकते हैं, इसके ऊपर डाल करके। तो ये नॉर्थ इंडिया में बहुत फेमस है, वैसे तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें स्नैक्स में फेमस हैं, लेकिन ये आप चाय के साथ या बच्चों को लंच बॉक्स में भी स्नैक्स में दे सकते हैं और बनाकर इसको सेव कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए ऑयल पे हो रहे हैं, 5 से 7 मिनट तो लगता है आराम से इजीली। और इस तरह से अभी 1 से 2 मिनट और मैं इसको कर रही हूँ। फ्लेम लो रखिएगा, लो से मीडियम पर ही पकाना है। चाहें तो लास्ट में जब निकालने वाले हो थोड़ा हाई करके आप इसको सेक सकते हैं, बट ऑल टाइम इसमें लो फ्लेम पर ही रखना है, लो टू मीडियम। तो ये देखिए हमारे ये वाले करेले तो बनकर तैयार हैं। अभी मैं दूसरे लॉट करेले के डाल देती हूँ और उनको भी रेडी कर लेते हैं। तो साथ साथ ही आप डालने की कोशिश करिएगा, वरना ये आपस में चिपक जाएंगे। छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखिए। इस तरह से देखिए लग रहे हैं ना करेले की तरह, बहुत ही क्रिस्पी और यम्मी बन करके तैयार होते हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बना करके ट्राई कीजिए, और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी ये बताना तो मत भूलिएगा, और कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करिए। और दही के साथ, इमली के साथ, या ऐसे ही आप चाय के साथ ऐसे भी इनको ले सकते हैं। बस ध्यान रखिए आटा हमारा बहुत लूज़ नहीं होना चाहिए, वरना ये क्रिस्पी नहीं बनेंगे। और साथ ही साथ इसको आप उतारते जाइए, यानी कि बनाते जाइए और तलते जाइए, तो बहुत ही बढ़िया बनेंगे। और एक एक कली आपकी जो करेले की है खिल करके आएगी, चिपकेंगे नहीं आपस में। इन बातों का ध्यान रखिए फ्रेंड्स, और आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।